फिर हम अ से या तक अंग्रेजी में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। ए से य, डबल ए से आ, आई से छोटी, डबल ई से बड़ी, यू से छोटा हो, डबल ओ से बड़ा हो, आर आई से ऋषि, री ई से ए, ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एस से अ। इसको हम चार पांच बार लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। जब एकदम जबान पर याद हो जाएगा, रट्टा लगा लेंगे, एकदम याद हो जाएगा, तब हम इसे मिला करके, मात्रा मिला करके अंग्रेजी में कोई शब्द बनाएंगे। जैसे राम लिखना है तो आर ए से र होता है और आर ए से रा भी होता है। जैसे ए किसी भी अक्षर के आगे ए लिखा जाता है क्योंकि उच्चारण के लिए अ आता है, क, क के बाद अ आ रहा है तो हम के ए लिखते हैं, लेकिन जब कोई मात्रा लगाना होता है तब ये हटा देते हैं। तो इस तरह से पहले इसको याद कर लीजिए, उसके बाद कापी पर इसको लिखिए। जब स्कूल खुलेगा तो ये चेक होगा। और वीडियो देखने के लिए आकांक्षा ट्यूटोरियल स्टडी सर्किल नाम से वेबसाइट है और उस पर चेक करेंगे तो ये वीडियो मिलेगा।